हमारे शायर इकबाल ने कहा है, हेच चीजे खुद ब खुद चीजे नशुद, हेच आहिन खंजरे तेरे नशुद, हेच हलवा ही नशुद उस्ताद का, ता गुलामे शकर रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला जरूं, ता गुलामे शम्स तबरेजे नशुद। यहाँ कोई चीज खुद ब खुद नहीं, पीछे अल्लाह है, हर चीज के पीछे अल्लाह है। अब देखो, अब सारी कॉपी को जीरो से भर दो। कोई आपने लिखा कुछ लिखा, पहले जीरो के साथ एक लगा दो तो अब कितना लिख दिया। हर जीरो पहले से ताकतवर होता जा रहा, होता जा रहा। इस सारी कायनात के पीछे मेरे अल्लाह का आखिर होना, तो अल्लाह अपने अमर को हटा दे, सारी कायनात जीरो है। वो है तो ये है, अल्लाह है तो जमीन जमीन है, अल्लाह है तो आसमान आसमान है, अल्लाह है तो चंदा चंदा है, तारे तारे हैं, अल्लाह है तो सूरज सूरज है, उसकी आग आग है, मेरा अल्लाह है तो बरसता पानी है, रिंच बरसात है, मेरा अल्लाह है तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, सूरतें हैं, मूर्तें हैं, मेरा अल्लाह है तो आवाज़ है, सोज है, सबज है, रंग है, राग है, फूल है, कलियाँ हैं, महक है, मेरा अल्लाह है। सिर्फ एक तितली पकड़ के बैठ जाओ और उसके पर के ऊपर प्रिंट को देखना शुरू कर दो, तो एक तितली का पर तुम्हें बताएगा कि कोई है, कोई है। वो कौन है? वो अल्लाह है।